हेलो एवरीवन वेलकम दिस माइंड माइंड मैप मैप सीरीज आज सीरीज में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर को देखेंगे तो भाई सर माइंड मैप सीरीज का एजेंडा क्या है एजेंडा यह है मेरे दोस्त कि एक छोटे से टाइम इंटरवल में इस पूरे चैप्टर को सिंपल हार्मोनिक मोशन के पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोगों को क्या करना है सारा फॉर्मूला सारा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फीड कर लेना है कैसे होगा सर कैसे होगा एक छोटे से टाइम इंटरवल में इतनी सारी चीजें मतलब एक पूरा का पूरा चैप्टर कैसे होगा होगा बिल्कुल होगा किस तरह से होगा कि जैसे आगे बढ़ते हैं दिखाते हैं मान लो कि ये एक डायग्राम है ठीक है तो आप लोगों को क्या करना है कि भाई साहब इसको स्कैन कर लेना है इस पूरे डायग्राम को स्कैन कर लेना है याद रहना चाहिए कि भाई इसको नाम ये था इसको नाम में था इसको नाम एनर्जी की बात थी इसको नाम इक्वेशन की बात हुई थी तो जैसे ही आप लोग रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तुरंत दिमाग वहां से निकाल करके रिट्रीव करेगा इंफॉर्मेशन और आपको दे देगा ठीक है तो पूरा का पूरा एजेंडा समझ में आ रहा है एक छोटे से टाइम इंटरवल में हम लोगों को क्या करना है इस पूरे चैप्टर को एक बार देख लेना है सारा फॉर्मुला याद होना चाहिए और साथ ही साथ सारा कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को समझ लेना है ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या क्या टॉपिक हम लोगों को कवर करना है आज

सिंपल हार्मोनिक मोशन का भाई साहब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है तो कोई भी ऑसिलेटरी मोशन कुछ इस तरह से हो जिसमें कि फोर्स प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट की एंड इज एंड इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हमेशा फोर्स लगे तो वैसा oscillatory motion हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं सबसे की की बात की जाए तो और बोल सकते हैं किस चीज का भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन का तो ये हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो मान लेते हैं कहीं पर हमारा ब्लॉक क्या है इक्विब्रियम पोजिशन पे है रेस्ट में है अब हम क्या करते हैं कि इस ब्लॉक को थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस से एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करवाते हैं तो भाई अगर एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करवाएंगे तो स्प्रिंग हमारा इलोंगेट होगा कितना इलांगेट होगा एक्स से ही इलांगेट होगा तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगी स्प्रिंग फोर्स सब लोगों को पता है हुक्स लॉ से माइनस के एक्स राइट तो फोर्स जो यहां पे लग रही है माइनस के एक्स और इसी को मैं बोल सकता हूं दैट इज इक्वल टू मास एक्सेलोरेशन दिस इज द नेट फोर्स यही हमारा नेट फोर्स है या री फोर्स है जो बोल लीजिए आप ठीक है तो ये किसके बराबर है भाई मास इंटू एक्सेलोरेशन के बराबर है अब यहां से सॉल्व करोगे तो एक्सेलोरेशन आएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स के बाई एम को हम लोग लेते हैं ओमेगा स्क्वायर ठीक है ओमेगा क्या है सर ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन टाइम पीरियड एक चीज होती है टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम में एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया मान लो हमने इसको एक्स डिस्टेंस से थोड़ा सा इलांगेट किया ठीक है उसके बाद छोड़ेंगे तो क्या होगा इक्लेब्रियम पोजिशन पर जाएगा उसके बाद सेम एक्स डिस्टेंस आपको कॉम्प्रेस होगा लेफ्ट जाएगा से, और फिर वापस से इधर आएगा। तो मतलब एक पूरा ऑसिलेशन में कितना लगा? वो होता है, period, और और में क्या रिलेशन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी में टू पाई ओमेगा राइट ये बहुत बेसिक सी चीज थी ये तो आप सबको लगभग पता होगी तो देखो यहां से के वाई एम को अगर हम लोग ले रहे हैं तो एक्सलोरेशन आ रहा है ज इक्वल टू माइनस स्क्वायर एक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर एस एच एम दिस इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कहीं भी आपको ये पता करना है है कि भाई साहब कुछ इक्वेशन दे रखा है, कोई मोशन दे रखा है और बोल रहा है कि सर मुझे बताइए कि यह सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं होगा ठीक है तो अगर यह जानना है कि कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं होगा तो आपको बस एक्सलोरेशन निकालना है ठीक है मान लो x वर्सेस टाइम में कोई इक्वेशन दे रखा है ठीक तो एक बार डिफरेंशियट करोगे वेलोसिटी आएगा एक बार फिर से डिफरेंशियट करोगे एक्सेलरेशन आएगा और चेक करो कि एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है कि नहीं है अगर है तो वो एस होगा नहीं है तो एस नहीं होगा ठीक है तो एज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स क्या है इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहीं भी चेक करना हो तुरंत ये यूज करो डबल डिफ्रेंशिएट करो पोजिशन को एक्सेलोरेशन निकालो और देखो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है सिंपल है अब ये देखो किसी भी एस एच एम का इक्वेशन पोजीशन वर्सेस टाइम इक्वेशन क्या होना चाहिए एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव यहां पर मैंने लिखा है जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम जनरल इक्वेशन से क्या मतलब है सर मतलब यह है कि कहीं पे भी किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यह इक्वेशन यूज कर सकते हैं ए क्या है भाई साहब एम्पलीट्यूड है ए क्या है एम्पलीट्यूड है phi क्या है फेज और ओमेगा टी प्लस फाइव यह है फेज अब सर यह फाइव फेज कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यह फाइ को समझना फेज कॉन्स्टेंट को समझना एक बात यहां पर यह याद रखना है कि यह जो फेज कॉन्स्टेंट है ये किस पे डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन एंड वेलोसिटी ठीक है तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं ये फेस कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है मेरे दोस्त ये फाइ डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन या बस इनिशियल कंडीशन लिख देते हैं तो इनिशियल कंडीशन में इनिशियल पोजीशन भी आएगा और इनिशियल वेलोसिटी भी आएगा तो देखो भाई साहब अगर अगर जनरल इक्वेशन की बात की जाए तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा प्लस फाइव चलो अच्छी बात है अब अलग अलग कंडीशन में ये जनरल इक्वेशन है क्वेश्चन में अगर तुम्हारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है या फिर क्वेश्चन में कुछ फिगर वगैरह तुम्हें दे रखा है इनिशियल कंडीशन दे रखा है तो तुम्हें फाइव की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके फाइनल इक्वेशन या पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वो निकालना पड़ेगा तुम्हें अब सर अलग अलग पोजीशन के लिए इनिशियल पोजीशन के लिए अलग अलग इक्वेशन आएगी तो मान लो मान लो ये चार याद रखना चार एक्सट्रीम केस में मैंने दिखाया है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन अभी फिलहाल मैंने चार एक्सट्रीम केस जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को जरूरत पड़ता है वो मैंने दिखाया है कि भाई अगर मान लो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की ही बात हो रही है अगर मास जो है ये पार्टिकल जो है ये मीन पोजिशन पे है और राइट right की तरफ मूव कर रहा है तो फाइव की वैल्यू निकाल के जब तुम सबूट करोगे यहाँ एक्स इक्वल टू ए इक्वेशन आएगी एक्स इक्वल टू ए कॉसोमेगा सिमिलरली अगर मीन पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है तो माइनस ए साइनोमेगा टी और अगर लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस ए कॉसोमेगा इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग किताबों में सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन की बात की जाए तो कहीं देता है एक्सेजुगल टू ए साइन ओमेगा कहीं देता है एक्सेजल टू ए कॉस टी कहीं देता है माइनस ए साइन ओमेगा और सब लोग कंफ्यूज रहते हैं सर यहां पे लिखा हुआ ए साइन टी अगले क्वेश्चन में दे रखा है ए कॉस ओमेगाटी अलग अलग क्यों भाई एक इक्वेशन क्यों नहीं है तो एक इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इनिशियल कंडीशन अलग अलग हो सकता है ठीक है मान लो कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी राइट right एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ जैसे फॉर इस केस की बात की जाए तो मैंने इसको राइट right एक्सट्रीम पे खींच लिया ठीक अब यहां से मैं छोड़ा तो यहां से स्टार्ट हो रहा है मोशन मतलब राइट right एक्सट्रीम से सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट होगा तो भाई कौन सा इक्वेशन लगेगा एस एच एम का ए कॉस उमेगा बात समझ में आ गई सिमिलरली जब ये एस कर रहा है तो जब ये मीन पोजिशन पे था और मान लो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था उस टाइम को तुमने टाइम का ओरिजिन माना टाइम जीरो माना ठीक है तो अगर उस टाइम को मानोगे तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे माइनस ए साइन ओमेगा बात समझ में आ रही है तो ये है जनरल इक्वेशन ए साइन ओमेगा प्लस फाइव यहां पे टाइम जीरो पे जो भी एक्स है फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात की जाए राइट एक्सट्रीम की बात की जाए तो टाइम जीरो पे एक्स इज है प्लस ए तो यहां पे रख लो एक्स के बदले प्लस है, ठीक है? टाइम को रख लो जीरो तो A is equal to A sin phi आ जाएगा ठीक तो साइन फाइव इक्वल टू वन जाएगा, मतलब phi क्या आ जाएगा? 90 degree आ जाएगा? जाएगा और को रखोगे, तो एक्स इज इक्वल टू ए cos omega t हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी ठीक है तो ये पूरा का पूरा मामला समझ में आया किस चीज का भाई साहब किस तरह से इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग लिखते हैं या निकालते हैं ठीक अब पोजीशन टाइम की तो बात हो गई अब क्या बचा भैया अब कोई पूछ दे कि भाई किसी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी किसी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी तो अगर मेरे पास पोजीशन वर्सेस टाइम का इक्वेशन है तो देखो इसको एक बार अगर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ठीक है तो वेलोसिटी आ जाएगी तो मैं मान के चल रहा हूं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ये इक्वेशन अगर लेके चलते हैं ठीक तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी एमेगा कॉस ओमेगा तो टाइम के फंक्शन में अगर वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग बोल देंगे ए ओमेगा ठीक थी। है टाइम के फंक्शन में अगर हम लोगों को वेलोसिटी चाहिए तो सिमिलरली ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि सर यहां से मोशन स्टार्ट हुआ ठीक है और एम्पलीट्यूड है मान लो ए या मान लो दस सेंटीमीटर ठीक है तो कोई पूछ सकता है सर मीन पोजीशन से एसएचएम में स्टार्ट हुआ है और जब दो सेंटीमीटर ट्रेवल कर लिया तब इसकी क्या वेलोसिटी होगी ठीक मतलब वेलोसिटी चाहिए किसके फंक्शन में एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन पोजीशन के रेस्पेक्ट में हमें क्या चाहिए भाई साहब वेलोसिटी चाहिए तो अगर पोजीशन के रेस्पेक्ट में चाहिए तो वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये किस तरह से आता है तो देखो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ठीक और वी इज इक्वल टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी अब कॉस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ठीक है तो अंडर रूट साइन स्क्वायर ओमेगा टी करोगे तो अंडर रूट वन माइनस और ये एक्स का टर्म साइन ओमेगा के बदले एक्स बाई ए लगा दो यहां पे, और यहां पे आ जाएगा और तुम्हें आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है तो भाई अगर वेलोसिटी चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो ओमेगा कॉस ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो मैक्सिमम क्या हो सकता है वेलोसिटी की वैल्यू वैल्यू हो सकती है one, a omega होगा. को, को, कोई तुम्हें पूछ दे कि भैया एक्सेरेशन बता दो या ऐसे भी पता है एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन क्या होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तभी एस एच एम होगा वरना तो एस एच एम ही नहीं है तो सेम चीज हमें यहां पे आ रही है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई एमेगा स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो ये बात हुआ पोजीशन वेलोसिटी और एक्सिलोरेशन का अब बात करते हैं इनर्जी की ठीक है तो मान लो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो कितने तरह की एनर्जी होगी मेरे दोस्त कोई पूछ दे कि सर कितने तरह की एनर्जी है यहां पे? तो आप बोलिएगा सर ये ब्लॉक है मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी नंबर वन और स्प्रिंग है इलांगेट हो रहा है कॉम्प्रेस हो रहा है मतलब डिस्प्लेस हो रहा है तो भाई साहब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वायर सबको फॉर्मूला पता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब सर ये हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया कहां से ठीक तो कहाँ से आएगा भाई काइनेटिक एनर्जी आएगी कहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी राइट हाफ एम वी स्क्वायर तो हाफ एम और वी स्क्वायर को लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है तो वहीं से ये आया है हाफ के एम ओमेगा स्क्वायर के के बराबर होगा एम ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा के के कहाँ से सर तो के बाई एम है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर

की बात नहीं होगी फ्रिक्शन की बात जब होगी तो वो डैम डॉसिलेशन होगा उसको अलग तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं तो जब तक डैम्पिंग वगैरह की बात ना की जाए तब तक टोटल एनर्जी हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा और उसी का ये ग्राफ एक्स पोटेंशियल एनर्जी का है वाइज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ठीक उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का ये जो येलो वाला लाइन है काइनेटिक एनर्जी और इन दोनों को ऐड करो किसी भी पॉइंट पे इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी आएगी और वो कॉन्स्टेंट आएगा इसको और इसको ऐड करो तो हाफ के ए स्क्वायर ठीक है सिमिलरली किसी भी पॉइंट पॉइंट पे इस पे इस पे मान लो इस इस ये है तुम्हारा, है तुम्हारा ठीक तो इसको और इसको और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो फिर से हाफ के ए जाएगा तो ये दिखा रहा है व्हाइट वाला जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है और ये दिखा रहा है कि टोटल एनर्जी हमारे पास हमेशा क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी ठीक है क्लियर है यहां तक एनर्जी कंसिडरेशन समझ में आ रहा अब आगे बढ़ते हैं कुछ और काम की चीजों पर बात करते हैं भाई देखो एस का चैप्टर हो तो मोस्टली मेजरली क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है टाइम पीरियड निकालना बहुत सारा क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि सर टाइम पीरियड जल्दी से निकाल दीजिए ठीक है तो टाइम पीरियड निकालने का तीन तरीका है एक है फोर्स मेथड दूसरा है टॉर्क मेथड और तीसरा है इनर्जी मेथड तो इस वाले पेज में हम लोग बस फोर्स मेथड पे बात करेंगे ठीक है तो फोर्स मेथड में करना क्या है समझ लो जल्दी से सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करो

सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हॉरिजेंटल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तो भैया ये था हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां से थोड़ा सा मान लो एक्स डिस्टेंस से हमने क्या किया इसको डिस्प्लेस कर दिया यहां पे हमने एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया तो भाई ये क्या फोर्स लगेगी यही तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ना के एक्स माइनस साइन यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं डायरेक्शन दिखाता है हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स हो गया के इसको किससे इक्वेट करो थर्ड स्टेप क्या था फाइंड नेट रिस्टोरिंग फोर्स एंड इक्वेटेड टू एम तो भाई मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दो जैसे ही ऐसा करोगे गया तो ए मस्ट बी इक्वल टू क्या आना चाहिए जाएगा ठीक है तो ये बात थी हॉर्जेंटल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वर्टिकल हो सकता है या मान लो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा दिया है या किसी पुली के साथ इस तरह से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा दिया है तो याद रखो इसको तुम लोग इस मेथड से कर सकते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करके जब निकालोगे तो इन सब सिचुएशन में टाइम पीरियड तुम्हारी टू पाई अंडर रूट एम बाई के आएगी क्यों क्योंकि ग्रेविटी ग्रेविटी पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है ठीक है तो मतलब ग्रेविटी ड नॉट ऑल्टर ग्रेविटी कैन नॉट ऑल्टर कैन नॉट चेंज द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हुआ क्या जब हमने इसको वर्टिकल कर दिया या इंक्लाइंड प्लेन पे डाल दिया तो हुआ क्या हुआ क्या क्या एक्स्ट्रा फोर्स आ गया तो भाई साहब स्प्रिंग फोर्स तो जो था वो तो अभी भी है बस एक एमजी ज्यादा लगने लगा ना अब अब ग्रेविटी भी आ रही है तो ग्रेविटी कभी भी टाइम पीरियड को ऑल्टर नहीं कर सकता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के इसीलिए अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम चाहे वर्टिकल हो या इंक्लाइंड प्लेन पे हो या फिर मान लो किसी पुली के द्वारा कुछ इस तरह से लगाया हुआ हो तो इसका टाइम पीरियड चेंज वेंज नहीं करेगा सेम टू बाई के रहेगा ठीक अब बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि यहां पे एक स्प्रिंग है एक से ज्यादा स्प्रिंग दे सकता है ठीक है अब एक से ज्यादा स्प्रिंग देगा तो स्प्रिंग को या तो सीरीज में लगाएगा या पैरल में या एक और कुछ और तरीका हो सकता है ठीक तो भाई सबसे पहले स्प्रिंग्स इन सीरीज की बात करते हैं दो स्प्रिंग अगर हमारे पास सीरीज में है तो याद रखना सीरीज का मतलब है स्प्रिंग में फोर्स हमारा सेम होगा फोर्स क्या होगा भाई सेम होगा और इक्वेलेंट स्प्रिंग निकालना मतलब स्प्रिंग को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया जाए क्या चाहता हूं मैं कि भाई दो स्प्रिंग है उसको एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं तो अगर मैं ये चाहता हूं तो वन बाई के इक्वेलेंट आ जाएगा वन बाई के ठीक है सिमिलरली अगर हम लोग स्प्रिंग इन पैरल की बात करें दो स्प्रिंग पैरल में लगा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा भाई देखो यहां पे मान लो इस ब्लॉक को इस मास को मैं एक मीटर से खींचता हूं आगे तो भाई ऊपर वाला स्प्रिंग ब्लू वाला स्प्रिंग भी एक मीटर से खींचाएगा पीला वाला स्प्रिंग भी एक मीटर से खिंचाएगा मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोनों का सेम होगा ठीक है और इस केस में अगर सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना है तो के इक्वाल क्या आएगा के वन प्लस के टू तो भाई बात हम लोग क्या कर रहे थे कि या तो अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग है तो या तो सीरीज में लगाएगा या पैरल में लगाएगा या कुछ और तरीका हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो अब ये क्या है ये आपका शॉर्टकट मैंने यहां पर लगाया है क्या है भैया शॉर्टकट तो देखो तीन कंडीशन होता है इसको अच्छे से जरा ध्यान से सुन लेना पहला कंडीशन में क्या है कि ये ब्लॉक या ये स्प्रिंग उसी रोप से कनेक्टेड है जिससे कि ये ब्लॉक है इस केस में अगर मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है के तो के इक्वेलेंट तुम के लेना ठीक है दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि भाई स्प्रिंग जो है सेंटर ऑफ द पुलिस से कनेक्टेड हो तो उस केस में अगर स्प्रिंग का के स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट के फोर लेना है और ये तीसरा वाला केस है इसमें फोर के लेना है तो सर ये जान के क्या करेंगे हम ये जान के हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बना सकते हैं किस तरह से भाई ये डायग्राम देखो इसमें इस तरह से दो स्प्रिंग लगाए हुआ है अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई साहब ये सीरीज में है

कहीं पे भी कितना भी स्प्रिंग डाला जा सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता करना क्या है मेथड क्या है ये समझ लो तो मेथड ये है कि हर स्प्रिंग को सीरीज में डाल दो जितना भी स्प्रिंग है चाहे जहां पे हो ड मैटर ठीक है कहीं पे भी हो सबको डाल दो सीरीज में ठीक अब सीरीज में डालना है और उसके बाद के क्या लेना है इक्वायलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इस तीनों फिगर के हिसाब से यह क्या बात हुई सर तो देखो ये वाला पहले वाले स्प्रिंग की अगर बात की जाए तो ये स्प्रिंग उसी रोप से कनेक्टेड है जिससे कि ये मास कनेक्टेड है मतलब ये पहला वाला केस है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं होगा के ही लिखेंगे ठीक अब ये वाला जो था स्प्रिंग इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन में दे रखा था फोर के अब ये कौन सा केस है यहां इस तीनों केस में से हर स्प्रिंग इस तीनों में से किसी एक केस में फिट बैठेगा तो यहां पर क्या हो रहा है ये स्प्रिंग सेंटर ऑफ द पुलिस से कनेक्टेड है जो कि यहाँ पे था ये स्प्रिंग किससे था भैया सेंटर ऑफ द पुली से कनेक्टेड तो कोई भी स्प्रिंग अगर सेंटर ऑफ़ द पुली से कनेक्टेड हो तो उसका तो था इसको यहां पे रिप्लेस कर दिए और इसका भी के ले लिए अब मान लो कोई तीसरा होता तो एक और सीरीज में डाल देते ठीक है अब ये सारा का सारा स्प्रिंग किस में है? में है. K, K में है तो के इक्वेलेंट क्या होगा के बाई टू और टाइम पीरियड क्या होगा

ठीक है अब कोई पार्टिकल रोटेट करते हुए भी एसएचएम कर सकता है चलिए वहां पे आगे बढ़ेंगे आगे आएंगे अभी फिलहाल यहीं पे रहते हैं अब जैसे एक एग्जांपल और देख लो कोई जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही होगा बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि भाई एस को किसी भी चैप्टर से कनेक्ट कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से एस को कनेक्ट कर दिया जाता है फिर फ्लूड मैकेनिक्स से कनेक्ट किया जा सकता है मैग्नेटिज्म से इनफैक्ट हर चैप्टर से फिजिक्स के हर चैप्टर से एस का क्वेश्चन बनाया जा सकता है लेकिन किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन बनाए मेथर्ड टाइम पीरियड फाइंड करने का वही रहेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक ब्लॉक ठीक है 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 एक ब्लॉक ब्लॉक अब अब भाई मान लो कि फ्लोट कर रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा पुश करूं नीचे और छोड़ दूं तो ये ब्लॉक ऐसे ऐसे एच एम करेगा ऊपर नीचे करने लगेगा पानी में राइट right? अब पूछ रहा है कि भाई साहब टाइम पीरियड निकाल दीजिए अब तो भाई ये स्प्रिंग है ही नहीं इसमें ये किसका क्वेश्चन है भाई ये तो फ्लूड मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया ठीक है उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को ग्रेविटेशन में भी देखने को मिला होगा ठीक है जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मान लो कोई पार्टिकल है अर्थ से एक टनल किए हैं तो भाई उस पार्टिकल को कहीं पे रख दिए हैं सेंटर से तो भाई बताइए टाइम पीरियड ऑफ क्या होगा ऑसिलेशन क्या होगा इलेक्ट्रोस्टार्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने वहां एस एच एम का क्वेश्चन देखने को मिला होगा तो मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि भाई कुछ भी हो किसी भी चैप्टर से कनेक्ट किया जाए करना बस यही पांच स्टेप है करना बस यही पांच स्टेप है तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं क्या करूंगा सबसे पहले इक्लेब्रियम पोजिशन फाइंड करूंगा ठीक मान लो जब ये इक्विब्रियम में था तो एक्स एक्स नॉट या, या यहां पे x लिखे हैं, तो x ही लिख लो x डिस्टेंस ये पानी के अंदर था x लेंथ इसका पानी के क्या था अंदर था तो भाई क्या क्या फोर्स है mg नीचे है और बाइंड फोर्स ऊपर है बाइंड फोर्स कितना होगा भाई रो रोवीजी density of liquid into volume of solid immersed. Volume of solid immersed कितना हो रहा है Area of cross section into x into g. अब मान लेते हैं कि हमने क्या किया Equilibrium position तो find हो गया अब next step क्या है कि small displacement से क्या करना है इसको displace कीजिए तो हमने मान लो इसको x not distance से इसको नीचे ले गए x not distance से क्या ले गए नीचे ले गए ठीक है तो जैसे ही इसको x not distance से नीचे ले गए बाइंड फोर्स ऊपर में बढ़ गया क्योंकि जो

ठीक ऊपर के डायरेक्शन में एम नीचे के डायरेक्शन में चार न्यूटन दस माइनस एम जी करोगे इसको कर दो, से, तो जैसे ही A X आ जाएगा यहां पे एक्स के बदले एक्स नॉट आएगा क्योंकि एक्सनॉट से तुमने नीचे धकेला था ठीक है और टाइम पीरियड आ जाएगा टू पाई अंडर रूट डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू हाइट हाइट मतलब क्या टोटल लेंथ डिवाइडेड by डेंसिटी ऑफ लिक्विड into g आ जाएगा ठीक है तो लॉजिक सबका सेम रहेगा सबका लॉजिक एग्जैक्टली सेम रहेगा तो मतलब कहीं पे भी अगर मान लेते हैं कहीं पे भी अगर कोई पार्टिकल है ठीक है वो कैसा एसएचएम कर रहा है ट्रांसलेशनल एसएचएम कर रहा है स्ट्रेट लाइन में एसएचएम कर रहा है तो भाई साहब ये फोर्स मेथड लगा करके टाइम पीरियड निकाला जा सकता है मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं ताकि आप लोग इसको नोट कर पाए अच्छा एक चीज और आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा कि अपनी नोटबुक में कॉपी में खुद से लिखने का क्योंकि खुद से लिखिएगा ना तो दिमाग जल्दी रिट्रीव कर पाएगा कि अच्छा आपने उस कोना में फोर्स मेथड लिखा था इस कोना में बात हुआ था शॉर्टकट का ठीक नीचे बात हुआ था स्प्रिंग्स इन सीरीज और स्प्रिंग्स इन पैरेलल का तो तुरंत रिट्रीव कर पाएगा दिमाग ठीक है तो मैं फिलहाल थोड़ा सा साइड हट जाता हूं शायद पिछले स्लाइड में मैं साइड नहीं हुआ हूंगा तो यहां पे थोड़ा देर के लिए दस सेकंड के लिए छोड़ दे रहा हूं किसी को अगर पूरा स्लाइड कॉपी करना हो तो कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़े तो ये बात हुई भाई साहब फोर्स मेथड की अब कोई जरूरी तो नहीं है कि पार्टिकल एसएचएम करने के वक्त या एसएचएम करते हुए कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ही एसएचएम करे ठीक है रोटेट करते हुए भी एस एच एम कर सकता है रोटेट करते हुए भी एस एच एम कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रोटेशनल मोशन भी हो और एस एच एम करे तो भाई इन अलग अलग केसेस में किस तरह से टाइम पीरियड निकालते हैं तो देखो ये दूसरा मेथड है टाइम पीरियड निकालने का टॉर्क मेथड ये तब यूज होता है जब कोई पार्टिकल रोटेट करता हुआ एस एच एम करता है फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो इसमें हमने क्या किया एक रॉड है मान लो दो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग के है, है ल, सेंटर से तो ये क्या करेगा ये ऐसे 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 एम ऐसे, ऐसे, ऐसे करता रहेगा रोटेट करता हुआ एस एच करेगा तो यहां पे तो फोर्स मेथड नहीं लगा सकते हैं भाई यहां पे कौन सा मेथड लगेगा टॉर्क मेथड तो देखो मामला लगभग सेम है ठीक है यहां पे क्या करना है सबसे पहले पोजीशन फाइंड कीजिए तो भाई ये तो में है ही है 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 रेस्ट में ठीक उसके बाद क्या करना स्मॉल एंगल थीटा से पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दीजिए फोर्स मेथड में हम लोग स्मॉल डिस्टेंस से करते थे एक्स से राइट यहां पर स्मॉल एंगल से करेंगे तो भाई इसको स्मॉल एंगल थीटा से हमने क्या किया रोटेट कर दिया ठीक है चलो अच्छी बात है फोर्स मेथड में क्या करते थे नेट रिस्टोरिंग फोर्स निकालते थे और उसको मास इंटू से इक्वेट करते थे यहां पे फोर्स के बदले क्या निकलेगा टॉर्क निकलेगा ठीक है और एम के बदले आई अल्फा लगेगा और जैसे ही ऐसा करेंगे फिर से आ जाएगा आपको अल्फाइज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा वहां पे आता था फोर्स मेथड में ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स यहां पे आएगा अल्फाइज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा और ओमेगा जहां निकला टाइम पीरियड आ जाएगा टू पाई बाई ओमेगा ठीक है तो देखो जैसे इस, इसमें करके बताते हैं देखते हैं हम लोग तो हमने क्या किया सबसे पहले इसको स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट किया ठीक तो ये डिस्टेंस कितना आएगा पे थीटा थीटा होगा स्मॉल एंगल है ना तो ये R theta, तो ये डिस्टेंस कितना कितना थीटा तो लेंथ है भैया सेंटर से एल बाई टू तो भाई एल मतलब से कॉम्प्रेस हुआ एल बाई टू थीटा से तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा यहां पे लेफ्ट हैंड साइड के इन टू एक्स के एल बाई टू थीटा सिमिलरली ये स्प्रिंग भी एल बाई टू थीटा से कॉम्प्रेस हुआ तो यहां पे भी फोर्स लगेगा के एल थीटा बाई टू ठीक है अब निकालना क्या है निकालना है टॉर्क राइट तो टॉर्क कैसे निकालेंगे क्रॉस फोर्स इंटू तो फोर्स डिस्टेंस डिस्टेंस तो तो था के थीटा बाई टू। क्या है एल बाई टू ही तो है ठीक है क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है तो यह एल बाई, बाई, तो बाई टू है ठीक तो है और जितना टॉर्क ये वाला लगाएगा किस डायरेक्शन में लगा रहा है भाई साहब ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में उतना ही टॉर्क ये वाला फोर्स भी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लगाएगा तो इंटू टू से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां पे क्या आया के एल स्क्वायर बाई टू इंटू थीटा ठीक है अब इसको किससे इक्वेट करना है भाई आई अल्फा से इक्वेट करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनर्शिया रॉड अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पर्पीकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड क्या होता है भाई राइट right? तो अल्फा तो क्या बचा सिक्स के बाई एम इंटू थीटा यही चाहिए था भाई थीटा के पहले जो भी है वो ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो सिक्स के बाई एम थीटा है तो थीटा के पहले क्या है सिक्स के बाई एम तो मतलब ये है कितना ओमेगा स्क्वायर अब कोई टाइम पीरियड पूछ दे तो आप बोलिएगा सर अच्छी बात है टाइम पीरियड आप पूछ रहे हैं तो मैं जल्दी से लिख दूंगा टाइम पीरियड यहां पे क्या टू पाई बाई ओमेगा ठीक है ओमेगा क्या है अंडर रूट सिक्स के बाई एम तो एम ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई सिक्स के आ गया ठीक क्लियर है मामला आगे बढ़ा जाए तो कहीं भी दिखे आपको कि पार्टिकल रोटेट कर रहा है और एस एच एम कर रहा है रोटेशन में एस एच एम कर रहा है तो भाई साहब उस केस में टॉर्क मेथड लगेगा तीसरा आ जाओ एनर्जी मेथड देखो वैसे एनर्जी मेथड कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि एनर्जी चाहे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एसएचएम एसएचएम कर रहा हो ट्र हो ट्रांसलेशनल या फिर रोटेशनल एसएचएम हो या फिर दोनों कंबाइंड हो रोलिंग में एसएचएम हो सकता है ट्रांसलेशनल मोशन भी हो और कौन सा मोशन हो भाई साहब रोटेशनल मोशन भी हो दोनों साथ में हो तो वैसे तो एनर्जी मेथड कहीं भी लगा सकते हैं लेकिन जनरली हम लोग प्रेफर क्या करते हैं भाई कि अगर रोलिंग में एसएचएम है तभी एनर्जी मेथड लगाने का क्यों क्योंकि अगर रोलिंग नहीं है मान लो सिर्फ ट्रांसलेशन है या सिर्फ रोटेशन है तो फोर्स टॉर्क मेथड ज्यादा आसान पड़ता है, वैसे as well as है तो वहां पर हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता है ना फोर्स मेथड लगेगा ना टॉर्क मेथड लगेगा वहां पर लगेगा बस और बस क्या एनर्जी मेथड तो देख लो इसमें करना क्या है एनर्जी मेथड में पहला स्टेप सेम इक्विलिब्रियम पोजिशन फाइंड कीजिए दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको विजुअलाइज करना है कि पार्टिकल रोल करता हुआ एसएचएम कर रहा है रोल करता हुआ एसएचएम कर रहा है ठीक है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स पे है वहां पे क्या करो टोटल एनर्जी फाइंड कर लो पार्टिकल की और टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट हो अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा कि इसका डिफरेंशिएशन एनर्जी का जीरो होगा तो डीई बाई डी टी को कर लो जीरो और जैसे ही ऐसा करोगे एक्सलोरेशन या तो ओमेगा स्क्वायर एक्स के टर्म में आएगा या अल्फा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर थीटा के टर्म में ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन देख लो मान लो हमारे पास एक स्पेयर है स्प्रिंग से कनेक्टेड है स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मान लो के ले लेते हैं ठीक ये स्फेयर क्या है रोल कर रहा है और प्योर रोलिंग मान रहे हैं हम लोग यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है v है omega, है और एंगुलर स्पीड ओमेगा ठीक अब भाई देखो अगर इस थोड़ा सा रोल करता हुआ आगे बढ़ा ठीक तो भाई ये स्प्रिंग की वजह से फिर से पीछे आ जाएगा रोल करता हुआ तो रोल करता हुआ आगे जा रहा है रोल करता हुआ पीछे रोल करता हुआ आगे रोल करता हुआ पीछे मतलब रोलिंग मोशन में एस हो रहा है यहां पे तो भाई कौन सा मेथड लगेगा एनर्जी मेथड तो करना क्या है इस एनर्जी मेथड में मैंने क्या बोला कि भाई मान लो कि भाई अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा एक्स डिस्प्लेसमेंट पे है तो वहां पे टोटल एनर्जी लिख दो तो भाई मान लो इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्टेंस पे है तो टोटल एनर्जी क्या क्या होगा रोलिंग है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा और चूंकि स्प्रिंग है यहां पे तो भाई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आईओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर टोटल एनर्जी क्या भैया कॉन्स्टेंट ठीक अब चूंकि प्योर रोलिंग है तो ओमेगा के बदले वी बाई आर लिख सकते हैं और इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना है यही तो है डिफरेंशियट करके जीरो से इक्वेट करो तो भाई वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वी इंटू एक्सेलेशन यहां पर भी वी स्क्वायर का टू वी इंटू ए और एक्स स्क्वायर का टू एक्स इंटू वी तो भाई टू टू कटा हर जगह से वी कटा और जैसे ये किया एम ए प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर दैट इज माइनस के एक्स उधर चला गया ठीक तो ए क्या आ गया माइनस के बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स हमें क्या चाहिए था एज इक्वल टू ओमेगा चाहिए था ना भाई तो एक्स के पहले ये जो भी है के बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर यह हो गया हमारे पास ओमेगा और मतलब ओमेगा स्क्वायर हो गया तो यहां से टाइम पीरियड टू बाई बाईगा निकल आएगा सिंपल सी बात है तो पूरा का पूरा फंडा समझ में आ गया अब कहीं से भी क्वेश्चन मिले एस एच एम का तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि भाई ट्रांसलेशन में है रोटेशन में है रोलिंग में है अगर ट्रांसलेशन में है फोर्स मेथड पे जाओ अगर रोटेशन में है टॉर्क मेथड पे जाओ अगर रोलिंग है इनर्जी मेथड पे आ जाओ सिंपल इतना ही करना है ठीक है आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम की जो कि काफी सिंपल है नाम से ही पता चलता है काफी सिंपल है अब मान लो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है लेंथ है मान लो एल और मास है इसका एम हम इसको स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस करके नेट टॉर्क निकालोगे तो भाई यहां एम जी नीचे होगा MG theta, MG sin theta इधर हो 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 जाएगा जाएगा ठीक है तो MG sin theta into L, that is, आप बोल सकते हो, आ, net torque हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू आई अल्फा करोगे तो वहां से टाइम पीरियड आ जाएगा टू पाई अंडर रूट एल बाई जी टॉर्क मेथड क्यों लगाए हैं सर क्योंकि सिंपल पेंडुलम है राइट स्ट्रेट लाइन में कर रहा है या फिर रोटेशन में कर रहा है, तो है हाँ, स्ट्रेट तो लाइन लेकिन, लेकिन तो, तो नहीं है तो भाई स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं हो रहा है स्ट्रेट लाइन में तो कौन सा मेथड लगेगा टॉर्क मेथड लगेगा तो टॉर्क मेथड लगाओगे तो टाइम लगाओ पीरियड तो आ जाएगा टू पाई अंडर रूट एल बाई जी ठीक है क्लियर है यहां तक अब देखो बात क्या है कि भाई एक या, अब इतना आसान क्वेश्चन तो आता नहीं है ठीक है अब बहुत सारा इसमें कॉम्प्लिकेशन डालते हैं कि भाई इस सिंपल पेंडलम को मान लो किसी लिफ्ट में डाल दिया लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से या किसी कार में डाल दिया कार एक्सेलेशन से लेफ्ट या राइट right जा रहा है या फिर किसी कार में डाल दिया वो इंक्लाइंट प्लेन पे मूव कर रहा है या फिर इसको क्या किया पानी में डुबा दिया या फिर मान लो किसी कार में डाल दिया वो कार टर्न ले रहा है अब टाइम पीरियड बताइए तो भाई देखो बहुत सिंपल सा चीज़ है एक चीज समझ लो करना क्या है तो बस तुम्हें क्या करना है इक्लेब्रियम पोजिशन फाइंड करो देखो मैंने तीन केस यहां पर ले लिया है ठीक है तीनों में काम मैं एक ही कर रहा हूं बस समझ लो कि मैं क्या काम कर रहा हूं तुम बस इक्लेब्रियम पोजिशन ले लो ठीक है एक बार इक्लेब्रियम पोजिशन ले लिया और वहां पे t बाई एम का वैल्यू निकाल लो निकालना तुम्हें क्या है यहां पे लिखता हूं t बाई एम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे टी बाई एम का वैल्यू निकाल लो अगर ये निकल गया तो मतलब इसको तुम मान लो जी इफेक्टिव और टाइम पीरियड तुम्हारा टू पाई अंडर रूट एल बाई जी एफेक्टिव होगा बस एज सिंपल एज दैट अब यहां पे समझ लो सीख लो कैसे करना है भाई मान लो ये लिफ्ट था एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो यही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है फोर्स मैं बोलूंगा बताइए भैया क्या क्या होगा तो आप बोलिएगा सर टेंशन ऊपर एम रहा है तो हम बोल सकते हैं टी माइनस एम फिर अगर तुम लोग इस लिफ्ट के रेस्पेक्ट में लोगे तो सूडो फोर्स नीचे लगाना पड़ेगा एम ए और लिखोगे टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए तो टी बाई एम क्या होगा जी प्लस ए तो जी प्लस ए क्या है जी इफेक्टिव है तो टाइम पीरियड क्या होगा टू पाई अंडर रूट एल बाई जी एफेक्टिव

तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये बॉब किधर जाएगा राइट right की तरफ तो मान लो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो मैं बोलूंगा ठीक है 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 सर सर इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्स वगैरह बताओ क्या क्या लग रहा है इस पे। तो आप टेंशन लगेगा स्ट्रिंग में एमजी लगेगा नीचे और इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए कार के रेस्पेक्ट में तो सूडो फोर्स लगेगा राइट right की तरफ अब ये तो इक्विलिब्रियम पोजिशन है मतलब नेट फोर्स तो जीरो होनी चाहिए तो कब जीरो होगी देखो टेंशन रस्सी की तरफ है

ठीक है समझ में आ रही है बात तो भाई मान लो इसको सिंपल को पानी में डुबा दिए कुछ नहीं टेंशन प्लस बाइंट फोर्स इज इक्वल टू एमजी तो भाई यहां से टी बाई एम निकालो और जो भी आया टी बाई एम वो क्या हो जाएगा भाई जी इफेक्टिव हो जाएगा सिंपल सी बात है. अब मान लो ये तीसरा कंडीशन मान लो कि भाई एक कर्व्ड रोड पे कोई व्हीकल है जो वी स्पीड से मूव कर रहा है, रेडियस कर है रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपल कार में लगाए हुए हैं, और थोड़ा सा आउटसाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा आउटसाइड इंक्लाइंड होगा तो भाई पे, तो भाई थोड़ा, सा थोड़ा, पे तो भाई थोड़ा सा राइट की तरफ इंक्लाइंड होगा स्ट्रिंग में इधर एम जी नीचे टेंशन को रिजोल्व कर लो टी थीटा ऊपर टी साइन थीटा एलोंग द सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर टी साइन थीटा आ रहा है यहाँ पे ठीक तो टी थीटा बाय वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं है तो टी थीटा किसके बराबर होगा भाई ये एम के बराबर और टी साइन थीटा टी साइन थीटा ही तो नेसेसरी सेंट्रीपीटल फोर्स देगा ना भाई ये किसमें मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो देर मस्ट बी सम समोर्स टूवर्ड सेंटर विच शुड प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपीटल फोर्स राइट तो कौन सा फोर्स है यहां पे जो सेंट्रीपीटल फोर्स का रोल प्ले करेगा तो भाई यही टी साइन थीटा है सेंटर की तरफ तो इसको कर लो एम वी स्क्वायर बाई यार अब इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचेगा टी स्क्वायर ठीक और यहां पे बचेगा एम स्क्म की वैल्यू आ जाएगी मुझे यही दिखाना था कि यहां से हम लोग टी बाई एम की वैल्यू निकालेंगे और जैसे ही आ गया वही जी इफेक्टिव है टाइम पीरियड क्या होगा टू बाई अंडर रूट एल बाई जी एफेक्टिव दैट्स इट ठीक आगे बढ़े अब एक चीज और आता है कि भाई कभी कभी देता है कि भाई सिंपल पेंडुलम बहुत लार्ज लेंथ का है मतलब लेंथ इंफिनिटी हो सकता है या रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो सकता है या आर बाई टू के बराबर हो सकता है उस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग रहता है तो डेराइव तो मैं अभी नहीं करूंगा तो बस याद रखिएगा ये फॉर्मूला टू पाई अंडर रूट वन बाई जी इंटू वन बाई एल प्लस वन बाई आर आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ आर क्या है भाई रेडियस ऑफ अर्थ है और एल क्या है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोले कि मान लो देर इज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ इंफानाइट लेंथ टाइम पीरियड क्या होगा तो एल को रख लो इन्फिनिटी तो वन बाई इन्फिनिटी हो गया जीरो तो इंपॉर्टेंट तो था अगर इसको समझ लिए तो मतलब समझ गए खेला खत्म उसके बाद ठीक है अब एक और आता है कंपाउंड पेंडुलम सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि पॉइंट मास होता है. जो है हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम का बॉब है दैट इज ए पॉइंट मास अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब पॉइंट मास ना हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द ठीक अब इसको मैं क्या करता हूं? इसमें मास ओवरऑल ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूटेड है अब इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो भाई ये एस एच एम करेगा राइट right? तो ये भी तो पेंडुलम हुआ कैसा पेंडुलम है ये क्या इसको हम लोग सिंपल पेंडुलम बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वैसे पेंडुलम को क्या बोला जाता है भाई कंपाउंड पेंडुलम ठीक है कंपाउंड पेंडुलम तो कंपाउंड पेंडुलम में होता होना क्या है भाई देखो मान लो ये ये जो पिंक वाला था ठीक हमारा बॉडी था मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड था हमने क्या किया थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया और टॉर्क निकालेंगे अल्फा से सेक्वेट करके टाइम पीरियड निकाल लेंगे टॉर्क मेथड से बेसिकली क्यों क्योंकि क्या ये स्ट्रेट लाइन में एसएचएम कर रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है नहीं ये कैसे कर रहा है रोटेट करता हुआ कर रहा है राइट तो कौन सा मेथड लगाएंगे मेरे दोस्त टॉर्क मेथड लगाएंगे ठीक है तो हमने थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया एमजी नीचे एम जी साइन थीटा इधर एम जी इधर एम जी थीटा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास कर रहा है तो इसकी वजह से टॉर्क तो होगा नहीं टॉर्क किसकी वजह से होगा एम जी साइन थीटा तो एम जी साइन थीटा इंटू डी दैट इज आई अल्फा जैसे ही वो करोगे तो ओमेगा आ जाएगा और टाइम पीरियड आ जाएगा टू पाई अंडर रूट आई बाई एम जी डी डी क्या है यहां पे सेंटर ऑफ मास जहां से एम लगा था और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का डिस्टेंस है डी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एग्जाम्पल में बात करूं तो डी क्या है कहां है सेंटर ऑफ मास इसका तो आप बोलिएगा सर सेंटर ऑफ मास तो इसके एग्जैक्ट सेंटर में होगा ठीक और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहां है मतलब एल बाई टू है डी बात समझ में आ रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लेना है भाई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट ही क्या कर रहा है भाई ऑसिलेट कर रहा है ठीक है आगे बढ़ा जाए अब एक थर्ड तरह का पेंडुलम आता है तरह का जिसको बोलते हैं ये वापस से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी एंटी क्लॉकवाइज राइट बात समझ में आ रही है तो इस तरह के पेंडुलम को क्या बोलते हैं भाई टॉर्शनल पेंडुलम अब यहां पर जो टॉर्क वगैरह है ये किस पे डिपेंड कर रहा है टॉर्क प्रोपोर्शनल थीटा तो देखो भाई टॉर्क जो है मुझे लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको हटाओगे तो दैट विल बी इक्वल टू सी थीटा ठीक है ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट जो होता है वो सी होता है सी क्या होता है टॉर्शनल कांस्टेंट ये किस पे डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द रोप uh, या फिर स्ट्रिंग जो बोल लीजिए इसके मटेरियल पे डिपेंड करता है तो भाई इसी को टॉर्क आ गया सी थीटा कैसा कौन सा मेथड लगेगा जल्दी से बताओ फोर्स टॉर्क एनर्जी तो आप बोलिएगा सर टॉर्क मेथड लगेगा ठीक तो, तो यहां से अल्फा क्या आ गया भाई सी बाई इंटू थीटा आ गया तो भाई सी बाई किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई सी बाई आई इज बेसिकली प्लेइंग द रोल ऑफ ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो ओमेगा क्या हुआ अंडर रूट सी बाई आई तो टाइम पीरियड क्या हुआ टू पाई बाई ओमेगा मतलब टू पाई अंडर रूट आई बाई सी दैट्स इट राइट तो अभी मैं इसको फिलहाल इरेज कर देता हूं समझाने के लिए था दिमाग में फालतू चीजें नहीं जानी चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि फालतू है ठीक है मतलब ठीक है लेकिन एक, एक अच्छा सा इमेज रहना चाहिए ताकि तुरंत आप लोग रिट्रीव कर सकें चीजों को ठीक है तो तीनों पेंडुलम हम लोगों का खत्म हो गया अब आगे बढ़ते हैं सुपर पोजिशन ऑफ एस एच एम मान लो एक ऑब्जेक्ट है SHM कर रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट भी कर कर रहा है हमने दोनों को कर दिया एक के ऊपर एक डाल दिया तो भाई रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा यह मुझे समझना है तो इसमें दो तरीका होता है दो कंडीशन होता है बेसिकली दो केस होता है पहला कि भाई दोनों जो पार्टिकल था एस एच एम करने वाला वो सेम डायरेक्शन में एस एच एम कर रहा था या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन

ऐड करना है सुपर पोजिशन है ऐड करना है वेव में भी यही दिखेगा वेव ऑप्टिक्स में भी यही दिखेगा आप लोगों को ठीक है कि भाई दो मोशन को अगर सुपर इंपोज करवा रहे हैं तो क्या होगा ऐड करो अब जोड़ेंगे कैसे सर तो एक तरीका तो है कि एनालिटिकली आप लोग ऐड कीजिए दूसरा तरीका वेक्टर मेथड जिसको बोलते हैं दैट इज मच मोर इजियर तो उसमें करना क्या होता है कि भाई साइन ओमेगा को ले लो डायरेक्शन जनरली हम लोग क्या लेते हैं कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो पहला वाला जो SHM है उसका एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड है ए वन और डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो एक वेक्टर खींच लो वन किधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे दूसरे वाला का डायरेक्शन क्या है साइन ऑफ ओमेगा प्लस फाइव मतलब टी क्या था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में बनाता हुआ तो भाई ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस था यहां से फाइव एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता हुआ इसका मैग्नीट्यूड क्या ए टू एक और वैक्टर ले लिए करना क्या है दोनों को एड करना है जोड़ना है तो दो वैक्टर है A और बी एंगल थीटा तो रिजल्टेंट क्या होता है और अगर कोई ये पूछ दे कि भाई ये हमारा रिजल्टेंट वैक्टर है ठीक है अब ये किस एंगल पे है मान लीजिए सुपर पोजिशन आपने कर लिया अब इसका फाइनल इक्वेशन भी तो लिखी है सर कि भाई सुपर इंपोज करके फाइनल इक्वेशन क्या है आपको तो भाई देखो अगर मान लो मुझे चाहिए इसको मान लेते हैं हम इप्साइलन ठीक तो रिजल्टेंट इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू ए रिजल्टेंट ठीक है बेसिकली इसी वेक्टर यही तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ना इन दोनों को जोड़ के तो भाई इस वेक्टर का इक्वेशन लिखना है तो एम्पलीट्यूड क्या है ए रिजल्टेंट जो भी आया वो तो है ही है और साइन ऑफ ओमेगा प्लस सॉरी फाइव तो नहीं होगा एप्साइलन होगा राइट

आगे बढ़े अब मान लो पर्पेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो अब यहां पे देखो पर्पेंडिकुलर कैसे पता चला यहां पे दोनों एक्स में लिखा था मैंने मतलब दोनों एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है ठीक यहां पे एक इक्वेशन एक एक्स में है दूसरा इक्वेशन वाई में है अब इसके लिए ऐसा कोई वेक्टर मेथड नहीं है अगर पर्पेंडिकुलर डायरेक्शन में है तब आपके पास ऐसा कोई वेक्टर मेथड नहीं है तब आपको क्या करना होगा एनालिटिकली आपको ऐड करना होगा ठीक है साइनो मेगा टी प्लस वाई को एक्सपैंड कर दो साइन ए प्लस बी के फार्मूला से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और जहां पे भी तुम्हें चाहिए आ, और ऊपर वाले फार्मूला को सब्सट्रूट करो तो फाइनल फॉर्मूला या रिलेशन जो तुम्हारा आएगा वो ये आएगा एक्सक्वायर बाई एवन स्क्टेंट पाथ क्या होगा भाई रिजल्टेंट पाथ जो है उसकी इक्वेशन किससे मिलेगी या कैसा इक्वेशन होगा तो भाई देखो इसमें अलग अलग वैल्यू अगर फाइव जीरो है, कुछ भी ले सकते हो अगर फाइव तुम जीरो लोग तो कॉस जीरो हो जाएगा वन और साइन जीरो हो जाएगा जीरो मतलब ये आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू एक्स वाई बाई एन एधर ही लिख लो माइनस टू एक्स वाई बाई ए टू ठीक है तो ये आ जाएगा एक्स बाई एन माइनस वाई बाई ए टू का होल स्क्वायर एक्स बाई एन माइनस वाई बाई ए टू का होल स्क्वायर तो यहां से आएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स ए टू बाई एवन अब भाई ये इक्वेशन है

मतलब ये इक्वेशन किसका है इलिप्स का इक्वेशन है और अगर मान लो फाइव भी नाइनटी डिग्री हो और एम्पलीट्यूड भी दोनों का बराबर हो ए वन और ए टू मान लो दोनों बराबर है किसके बराबर भैया ए के बराबर तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो कि इक्वेशन किसका होगा सर्कल का होगा ठीक है तो इसी के साथ ये पूरा चीज ये पूरा माइंड मैप आप लोगों का खत्म होता है तो मैं एक बार क्या करता हूँ कि भाई थोड़ा सा टाइम देता हूँ आप लोगों को और दस दस सेकेंड का एक इंटरवल दे देता हूं ताकि जिनको भी लिखना हो बनाना हो मैं हट जाता हूं और अपने से लिखें और अपने से सब लोग नोटबुक में जरूर लिखिएगा तभी जाकर के दिमाग में बैठेगा तभी इस माइंड में आपका कुछ फायदा होगा थोड़ा पीछे कर देता हूं ये वाला भी देख लीजिए आप लोग और होपफुली ऐसे ही और भी सीरीज आती रहेंगी आ, कुछ मैं भी लूंगा कुछ बाकी सर लोग लेंगे अच्छा यहां पे कुछ मिट गया है क्या ये मिट कैसे गया यार तुक 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 तुक। चलो कोई बात नहीं लिख लेते हैं चलो ठीक है पीछे करें और जस्ट गिविंग टेन सेकंड सो दैट आप लोग यहां पे पॉज करके और जो भी आप लोग लिखना चाहें उतारना चाहें करना चाहें वो कर सकते हैं ठीक है इसमें तो मैंने टाइम दिया भी था तो इसी के साथ आज की ये ये सेशन खत्म होता है और होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा तो जैसा भी हो बताइएगा जरूर कमेंट करके कि कैसा लगा आप लोगों को ऐसे ही और माइंड मैप का और सीरीज आना चाहिए या फिर देखो इसका पर्पस ये नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट टू बी वेरी फ्रैंक इसका पर्पस ये कतई नहीं था कि आपको पूरा चैप्टर शुरू से पढ़ाया जाए ठीक है इसका इसका मोटो मकसद एजेंडा ये था ही नहीं तो मैं ये मान के चल रहा था कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं बस याद करने के लिए ताकि दिमाग में अट सके ठीक है उसके लिए आप लोगों को कुछ चाहिए तो ये पर्पज सॉल्व कर सकता है ठीक है बाकी अगर डेप्थ में इन डेप्थ का अगर आप लोगों को करना है इन डेप्थ में पढ़ना है तो भाई वो तो आपके लिए अलग अलग कोर्सेज हैं ही बहुत सारे लोग आप में से उन सब कोर्सेज में इन्ॉल्व होंगे ही ठीक है तो वहाँ से कॉन्सेप्ट वगैरह तो पूरा बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह ये सब चीज़ें तो होंगी इसका पर्पस बस ये था कि एक एक छोटा सा आ, पचास मिनट का एक घंटा का वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोग रट रटने का एक तरह तरीका बता दिया जाए या फिर इस तरह से आप लोगों को पढ़ाया जाए कि दिमाग में बैठ जाए ठीक है तो ठीक है इसी के साथ अलविदा लेते हैं फिर मिलेंगे किसी और माइंड मैप सीरीज़ में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए बाय बाय